प्रदेश सरकार ने हिमाचल की सीमाएं जब तक नहीं खोली थी तब तक हिमाचल में कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल की सीमाएं खोल दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक भारत के किसी भी कोने से बिना किसी अनुमति के प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। पहले सोलन के प्रवेश द्वार परमाणु पर बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण होता था, उन्हें क्वारंटीन किया जाता था, पुलिस उन पर निगरानी रखती थी, उनके घर के बाहर क्वारंटीन का नोटिस लगाया जाता था। यही कारण था कि कोरोना ज्यादा फैल नहीं रहा था। अब ये सब नियम खत्म हो चुके हैं, या यूं कहें कि अब सोलन की जनता की सुरक्षा राम भरोसे है और कभी भी वह संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। नियमों में बदलाव की जानकारी देते हुए रमेश शर्मा ने बताया कि सोलन की जनता को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर अब किसी तरह की रोक टोक नहीं है, वो बिना किसी सूचना और अनुमति के हिमाचल आ सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसकी जानकारी पुलिस को मिलती है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी बाहरी राज्य से आ सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। नहीं, अब जो सरकार की जो नई जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार अब प्रदेश में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार के पास इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये निश्चित ये फिर भी है कि सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग हमेशा मास्क पहनकर आएं, सैनिटाइजर साथ रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और साथ ही होटल और जो व्यवसायी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा कि वो अपने होटल में पूरी जो गाइडलाइंस हैं जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करें, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। यदि कोई ऐसी सरकार की या प्रशासन की नज़र में इस तरह का कोई संक्रमित व्यक्ति अगर मिलता है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पे उसे जो है उपचार हेतु ले जाया जाएगा सेंटर में। बाकी प्रवेश पे तो अब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। नहीं नहीं, अब इस तरह की डिटेल्स हमारे पास नहीं ली जाएगी। अब तो रूटीन में जो बैरियर खुले हैं उधर से जैसे लोग आएंगे, अब इस प्रकार की डिटेल का कोई प्रावधान नहीं। अब आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिना किसी पास के बिना किसी प्रतिबंध के आ जा सकते हैं, इसमें कोई समय अवधि का कोई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।